हमारे स्टैंड एप्लीकेशन में एक बहुत ही बड़ा वाला अपडेट आया हुआ है। इस अपडेट के कारण भाई स्टैंड एप्लीकेशन में बहुत सारे अर्निंग के जितने भी यूजर्स है जो अर्निंग करते थे स्टैंड एप्लीकेशन का यूज करके, वो लोगों को भाई बहुत ही ज्यादा आसानी से अर्निंग होना शुरू हो चुका है। क्योंकि इस अपडेट में स्टैंड एप्लीकेशन में बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं। उसी के साथ में आप लोग इसके अंदर में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर में आप लोगों को भाई इसका जो यूआई था उसको स्मूथ कर दिया गया है। रिलीज अ फास्टर एंड स्मूथर गेम परफॉर्मेंस विद द लेटेस्ट परफॉर्मेंस बूस्टर, ऐसा करके मतलब बहुत कुछ यहाँ पर देखो, बहुत कुछ यहाँ पर भाई लेटेस्ट क्लब को भी इन्हेंसमेंट किया गया, मतलब बहुत कुछ इसमें नया किया गया है। यानी कि आज का हमारा जो स्टैंड एप्लीकेशन है, जो अपडेट होने वाला स्टैंड एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को सबसे पहले मैं इस स्टैंड एप्लीकेशन को अपडेट कर लेता हूँ और अपडेट होने के बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ कि यह 8 MB का अपडेट है। इससे पहले मैं एक अपडेट किया था वो 16 MB का अपडेट था और उससे पहले वाला अपडेट 64 MB का था। लगभग यहाँ पर लगातार अपडेट पर अपडेट आ रहा है और ये वाला जो अपडेट है सबसे ज्यादा तगड़ा है और इस अपडेट के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से इस स्टैंड एप्लीकेशन का न्यू अपडेट वर्जन को आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले स्टैंड एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर लिया, मतलब अपडेट करके इंस्टॉल किया, इसे ओपन करते हैं। ओपन करते के साथ में आप लोग यहाँ पर बोलेगा समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ नहीं करना है, लॉग आउट बटन पर क्लिक करना क्योंकि मैं पुराना आईडी से लॉग इन किया था इसके वजह से। अब आप इसके अंदर में ट्रू कॉलर के भी माध्यम से डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो, जो कि इसके अंदर में नया वाला फीचर्स आया हुआ, मतलब ट्रू कॉलर का यूज करके डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर साइन इन करना चाहते हो तो साइन इन विद गूगल का ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जीमेल आईडी का यूज करके डायरेक्टली साइन अप कर सकते हो, जैसे आप लोग पहले किया करते थे। तो चलो अपने जीमेल आईडी के अंदर से डायरेक्टली साइन अप कर लेता हूं। और साइनअप करने के बाद का जो प्रोसीजर है जो कि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि नाम क्या है, उसके बाद फिर अपना लोगो, यहाँ पर अपना रेफर कोड, ये सब कुछ आपको डालने का ऑप्शन मिलता है। ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हो और सब कुछ करने के बाद मैं जस्ट प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक कर, जैसे कि मेरा नाम है पिंटू कुमार, मैं अपना नाम यहाँ पर से पिंटू कुमार डाल देता हूँ और उसका डालने के बाद मैं जस्ट यहाँ पर मैं प्रोसीड कर देता हूँ और इस तरीके से करके यहाँ पर मेरा जो आगे का जो प्रोसीजर रहेगा वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे तो इसी का पर मेरा खुल करके आ चुका डेली चेक इन का ऑप्शन, जस्ट यहाँ पर मैं क्लाइम बटन पर क्लिक करूंगा और ये क्लाइम हो गया। यहाँ पर भाई देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग सिंग विद किटी, ये कौन है भाई, लड़की गायक कोई है कोई, जब बोल रही मैं अभी गाना सुनाने वाली हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। तो इससे पहले बाहर निकलते हैं, इन लोग को बकवास मुझे सुनने का मन नहीं कर रहा है। और मेरे पास अभी देख सकते होंगे 530 जेम्स पड़े हुए हैं जिसका आप लोग यूज भी कर सकते हो। और आप लोग यहाँ पर देखोगे तो वीकली रिवार्ड में आप लोगों को यहाँ पर 50 जेम्स मिल सकता है, इसमें 300 जेम्स मिल सकता है। इसका भी आप लोगों को बहुत बढ़िया से फीचर्स बताने वाले हैं और मैं आप लोगों को जो बताने वाला था इस एप्लीकेशन का नया अपडेट के बारे में, तो देखो नया अपडेट आने के बाद में इस एप्लीकेशन के अंदर में कुछ कुछ बहुत ज्यादा ही चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ माइनर चेंजेस जरूर किए गए हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भाई इसके अंदर जो चेंजेस चेंज किया गया वो थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, मतलब चेंजेस जो किया गया ना वो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है। जैसे कि मान के चलो इसके अंदर आप लोगों के साथ भाई कैमरा से तरीके से फोकस नहीं कर पाता क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है, इसके वजह से पहला यहाँ पर एक क्रिएटर प्रोग्राम रखा गया, ठीक है, क्रिएटर प्रोग्राम। उसके बाद फिर एक कम्युनिटी का ऑप्शन बना है और इसका वैलेट का पेज अलग से बना गया है। तो यहाँ पर जो क्रिएटर का जो प्रोग्राम है इसके बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद फिर नीचे में आपको क्लब के बारे में बताया जाएगा, आप लोगों को क्लब का यूज कैसे कैसे करना है और बहुत कुछ आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहला जो अपडेट है चेंजेस हुआ है यह है क्रिएटर प्रोग्राम। इसके अंदर में आप लोगों को क्या दिया गया, जैसे कि बोला क्रिएटर प्रोग्राम के अंदर में आप लोगों को बोला कि बेनिफिट्स ऑफ अ क्रिएटर प्रोग्राम, नो लिमिट ऑन अर्निंग, कोई भी अर्निंग पे लिमिट नहीं रहेगा, दो गुना अर्निंग कर सकते हो आप क्लब के माध्यम से, फिर बोला कि बिल्ड कर सकते हो अपना एक कम्युनिटी, फिर बोला कर सकते हो इंक्रीज कर सकते हो विड्रॉल लिमिट, आप विड्रॉल लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो, एक दिन के अंदर अनलिमिटेड विड्रॉल ले सकते हो। बोल रहा है कि कंप्लीट रेफर, रेफर कंप्लीट कीजिए, फिर बोल रहा है कि होस्ट ऑफ वन क्लब, आपको एक होस्ट करना पड़ेगा क्लब जाकर के। जब इसको होस्ट करने के लिए जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और भी बहुत ही तगड़ा वाला अर्निंग एप्लीकेशन दे देता हूं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इसमें बस आप लोगों को एक स्पिन करना है, स्पिन करते के साथ में आप लोगों को कुछ भी पैसे निकाल सकते हैं। जैसे मुझे 1 रुपया निकला, मेरे वॉलेट के अंदर में ऐड हो चुके हैं और इसी तरह से कर करके भाई इस पैसे को मैं डायरेक्टली विड्रॉ कर सकता हूं। प्रोफाइल का ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलता है, उसके बाद एक विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, विड्रॉ बटन पर क्लिक करके मेरे पास 42 रुपये पड़े, 42 रुपये अपना एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं जस्ट रिडीम बटन पर क्लिक करूंगा। रिडीम करते के साथ मेरे वॉलेट के अंदर में तुरंत तुरंत में ये बैलेंस ऐड हो जाएंगे, मतलब मेरे वॉलेट के अंदर में तुरंत तुरंत बैलेंस ट्रांसफर कर दे जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन का जो प्रूफ आप यहां पर गौर से देखते हो, मेरा जो बैलेंस है सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया, ऊपर से मेरा नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका बैलेंस रुपए मेरे फोन पे रिसीव हो चुका है, जो कि आप लोग यहां पर गौर से देख सकते हो। अब ये जो एप्लीकेशन है भाई बहुत ही तगड़ा एप्लीकेशन है जिसके अंदर से आप लोग बिल्कुल ही फ्री में पैसे कमा सकते हो और इसमें बस आप लोगों को ऑफर कंप्लीट करना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। इस एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फुल वीडियो का लिंक बोलोगे तो फुल वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दूंगा उस पर क्लिक करना, हमारे वेबसाइट पर जाएगा, वेबसाइट का आप लोगों को नीचे कर जाना है नीचे की और आप लोगों को इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, लिखा हुआ रहेगा उसके अंदर में ठीक टास्क, ठीक है। नीचे को अगर आप बढ़ते हो तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ रहेगा ठीक टास्क, इस एप्लीकेशन का नाम ही है ठीक टास्क। अब उसके अंदर आप लोगों को जाकर के चेकआउट करना पड़ेगा और एप्लीकेशन में देखोगे यहां पर ठीक टास्क करके लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन का इंस्टॉल करके यूज करना शुरू कर लेना। नहीं समझ में आए तो फुल वीडियो देख लेना, इसका फुल वीडियो का लिंक आपको दे दिया हूं, ठीक है। और रेफर कोड मिलेगा तो रेफर कोड को भी कॉपी कर लेना। तो चलिए आप लोगों को मैं क्लब स्टार्ट करके बताता हूं और उसके बाद फिर आप लोगों को रजिस्टर कर लेना है। जैसे मान के चलो क्लब का टाइटल दे दिया हूं टूर्नामेंट, यहां पर मान के चलो भाई गेम प्ले, चलो ना गेम प्ले कर देते हैं, ठीक है। अब गेम प्ले कर देते हैं,
अब फ्री फायर का चूज कर देते हैं, ठीक है, पब्लिक करते हैं और ये वाला जो है गो लाइव का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर देखो मैं इस तरह से करके लाइव जाना शुरू हो चुका हूँ और यहाँ पर बोल रहा है कि सीज ऑल गिफ्ट योर फ्री गिफ्ट अनलॉक्ड इन इतना, मतलब इतना टाइम पर मेरा जो गिफ्ट है वो अनलॉक्ड हो जाएगा। बोल रहा है कि सी ऑल गिफ्ट जैसे करके अब चेकआउट कर सकते हो, आपको जो भी गिफ्ट रहेगा उस जगह पर आपको चेकआउट होता रहेगा, मतलब जितना भी आप लाइव आओगे ना तो इस जगह पर आपका गिफ्ट अनलॉक होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है ये बॉक्सेस आपको गिफ्ट अनलॉक, इस पर क्लिक करके आप उसे अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद फिर एक पास्ट गिफ्ट जैसे करके बोल, अब यहाँ पर देखो आपको इस तरह कुछ करना नहीं है, अब लाइव आ चुके हो तो भाई आप लोगों को लाइव में जो जो बंदे जुड़ेंगे उसके थ्रू आप बात कर सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पर मैक अपना ऑन करना, तो मैक को भी यहाँ पर ऑन कर इस से क्लिक करूंगा, मेरा मैक ऑन हो गया है। अब यहाँ पर लोग मुझे यहाँ पर सुनना शुरू कर दिए होंगे क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव बोल रहा हूँ, समझे ना। और यहाँ पर जो टाइमर चल रहा है, टाइमर चलने के बाद में आप लोगों को पॉइंट भी मिलता रहेगा। इस जगह पर आप प्लस करके किसी किसी के यहाँ पर से यूजर्स लोगों को बुला सकते, जैसे कि फ्री फायर का जो गेम है तो फ्री फायर का डायरेक्टली यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, गेम को प्ले करके यहाँ पर चेकआउट करा देते, बता सकते हो जो भी गेम रहेगा ना उसको यहाँ पर से लाइव भी दिखा सकते हो। बहुत कुछ इसके फीचर्स होते हैं। अब उन लोगों को यहाँ पर भाई मतलब देखो इस तरह करके आप मैसेज उससे डाल सकते हो, आप लोग यहाँ पर होस्ट वोस्ट करना चाहो तो यहाँ पर से कर सकते हो। तो इस सब कुछ यहाँ पर देख मतलब समझ रहे हैं ना आप लोगों को करना कैसे है। तो इस तरीके से कर करके आप लोगों को गेम को खेलना है। अब गेम को यहाँ पर देखो होस्ट को मैं लाइव कर चुका हूँ, अब लीव करता हूँ इस क्लब को और मैं इससे क्लब को यहाँ पर लीव कर लिया। अब यहाँ पर बोलेगा आपको जो कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, अर्निंग रहेगा ये वाला जो काम, इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ करने के लिए। जैसे इस पर क्लिक करना है और ये जो क्लब स्टार्ट कर लोगे, एक क्लब कंप्लीट होगा फिर आपको रजिस्टर नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको जैसे कि क्लब जो भी स्टार्ट करने के बाद जहाँ पर एक रजिस्टर कर लेना, ठीक है। आप रजिस्टर करोगे फिर आप लोग मतलब आप क्रिएटर हो इसको कंपनी को पता चल जाएगा और आप लोग इसके अंदर से डबल अर्निंग, अनलिमिटेड विड्रॉवल, अपना कम्युनिटी सब कुछ यहाँ पर से अनलॉक कर पाओगे, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं समझा दिया। इससे बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद का जो प्रोसेस है वो आपको मैं समझाता हूं और बताता हूं। इसके अंदर आप लोगों को एक कम्युनिटी का पेज मिलता है जिसके बारे में आप लोगों को ऐसा कुछ खास जानकारी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे पहले से ही, ठीक है। अब इससे बाहर निकलते हैं, बाहर निकल वॉलेट का पेज बताएंगे आप लोगों को बढ़िया से बताएंगे। यहाँ पर गेम का पेज अलग से बना गया और ये जो पेज है इस पेज को बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया गया, जिसमें आप लोगों को किसी भी गुद्दो गेम को चूज करना है और उसके अंदर में एंटर करके गेम को प्ले करना शुरू कर देना, जैसा कि आप लोग यहाँ पर गौर से देख सकते हो। अब अपन इससे बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद में इससे हम आगे बढ़ते हैं स्पिन का पेज पे। स्पिन का पेज पर क्लिक करेंगे तो देखो स्पिन पर भी आप लोगों को वही प्रोसेस जो है जो कि पहले बार दिया गया था, स्पिन में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, जिसमें मुझे यहाँ पर से एक जेम्स बिल्कुल ही फ्री में रिसीव हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर जस्ट मैं टैप करूंगा, टैप करके एक वीडियो वहाँ पर वॉच करने के लिए बोलेगा, जस्ट अनलॉक बटन पर क्लिक करूंगा और अनलॉक करने बाद एक एप्लीकेशन का एक वीडियो प्ले होगा जिस वीडियो को मैं देखूंगा और देखते के साथ में मुझे इसका पॉइंट रिसीव हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकेंगे। इस तरह से करके क्रिएटर प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, इसका जानकारी चाहिए तो क्रिएटर प्रोग्राम के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे कैसे क्या करना, क्योंकि ये नया वाला अपडेट आया हुआ है ना भाई, इसके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए इसके बारे में भी बता रहा था। अब यहाँ पर अपना भाई रेफर करो, एक दोस्त को रेफर करो, रेफर कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लब स्टार्ट करो, क्लब स्टार्ट हो जाएगा, फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है और क्रिएटर प्रोग्राम को आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप लोगों को इसके बदले में फ्री में गिफ्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो भी पैसा आप यहाँ पर देखोगे उसे यहाँ पर अर्निंग के तौर पर इस पर आप डायरेक्टली रिडीम कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में या फिर कहीं पर भी आप लोग ले सकते हो। ये होता है भाई क्रिएटर क्लब, जो क्रिएटर का जो प्रोग्राम दिया गया वो प्रोग्राम। अब यहां से जितना भी रेफर करोगे उसका अलग से इनकम होगा, मतलब सब कुछ का अलग अलग से आप लोगों को इनकम होता रहेगा। तो क्रिएटर प्रोग्राम काफी ज्यादा बेस्ट है, इसके अंदर से ये वाला फीचर आप लोग ट्राई कर सकते हो, मतलब अच्छा खासा इसको वीडियो में देख लेना आप लोग समझ लेना। और यहां पर देखोगे तो इस तरीके से करके मैं क्लिक किया, मुझे एक जेम्स के यहां पर मेरा यहां पर से अर्निंग यहां पर हो चुका है, जो कि आप लोग यहां पर गौर से देख सकते हो, समझ में आ चुका है। अब आप लोगों को इतना तो बता दिया हूं, इससे मैं क्या करता हूं बाहर निकलता हूं। यहां पर एक स्टिक का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप डेली चेक इन कर सकते हो और पॉइंट अर्निंग कर सकते हो, इसके बारे में बताएंगे, वीकली प्राइजेस के बारे में। इससे हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद में एक ऑप्शन मिलता है पिल बुलकर, जो गेम वाला सेक्शन है, ये वाला ही गेम कहीं एक सेक्शन है, गेम का ही एक पार्ट है। इसके अंदर आप लोग आकर के गेम को प्ले कर सकते हो, गेम को प्ले करके पॉइंट अर्निंग यहां से भी कर सकते हो, समझ में आ चुका है। इससे बाहर निकलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑफर्स एंड रेफर का। तो ऑफर का बात करें तो यहां पर गौर देखो, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफर वाले मिलेंगे जिसे आप लोग कंप्लीट करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, बोले तो यहां पर से ये पॉइंट टोकन अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो ऑफर कैसे कैसे मिलते हैं, ये सारे के सारे ऑफर्स हैं जिसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ऑफर कंप्लीट करना बहुत ही ईजी होता है, कंडीशन पहले पढ़ लेना, बोल रहा है कि क्लिक करना है लिंक पे और वेबसाइट पर जाना है, साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद में अपने ईमेल अकाउंट का यूज करके साइन अप करना है, फिर आपको गेम को खेलना है। फिर बोल रहा है कि यू विल रिवार्डेड आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप्स, और जैसे पूरा स्टेप बता गया उसको पूरा कंप्लीट कर लोगे देन आप लोगों को जो भी इसका पॉइंट रहेगा पॉइंट रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से कर करके आप लोग यहाँ पर पॉइंट अर्निंग कर सकते हो, आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं रेफर का सिस्टम के बारे में। तो ये है मेरा रेफर का सिस्टम जिसके अंदर मैं यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं टोटल 871 लोगों को रेफर किया हूँ और ये रेफर का पैसा मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ क्रिएटर प्रोग्राम के थ्रू। अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्रिएटर प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपका अर्निंग डबल ट्रिपल चार गुना भी बढ़ सकता है, समझ में आ रहा ना। रेफर का बहुत सारे यहाँ पर से बेनिफिट्स हैं, इसके लिए रेफर का जो कि आप लगातार अगर 30 दिन तक आपका रेफर किया बंदा अगर इसके अंदर आता है तो उसका अलग से अर्निंग होते रहेंगे, ठीक है। तो आपको ज्वाइन क्रिएटर प्रोग्राम का ऑप्शन में क्लिक करके जो क्लब वाला सेक्शन है इसमें चलिए थोड़ा सा होस्ट करके आपको मैं लाइव प्रोफेशन में देख ही लेता हूँ।
तो देखो इतना कुछ आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट एक ऑप्शन मिलता है टॉक टू होस्ट, मतलब बात करो अपने होस्ट, मतलब होस्टिंग जो भी रहेगा उसे बात करो। फिर क्रिएट अ क्लब, आप क्लब यहाँ पर से क्रिएट करते हैं, यहाँ पर इस पर बातचीत कर सको किसी भी, यहाँ पर से देखो सर्चिंग करेगा होस्ट को और फिर उसके बाद फिर आप लोग इसके अंदर में बातचीत करना शुरू कर दो, किसी भी होस्ट को यहाँ पर जाकर के बातचीत करना शुरू कर सकते हो। और ये आपका वाला ही है शायद, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, तो भाई ये वाला मेरा वाला यहाँ पर देखने में, तो एक यहाँ पर से होस्ट की तरफ से है, तब यहाँ से बातचीत करते हो, आप मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ को यहाँ पर जा सकते हो। इसके अंदर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको उसके बाद यहाँ पर देखो टाइमिंग खत्म होगा, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर से पॉइंट अर्निंग कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जस्ट आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लो और क्लिक कर करके यहाँ पर से आप लोग इससे बाहर निकलते जाओ। जस्ट इससे मैं बाहर निकल लेता हूँ और बस आप लोग ये चीज़ तो समझ आ चुका होगा करना क्या क्या है। अब देखो इसके अंदर में नया क्या चीज़ आया हुआ था, ये सब कुछ आपको मैं समझा दिया हूँ पहले। अब नया का बात करें तो इसके अंदर में नया का चीज़ के अंदर में आप लोगों को पहले तो क्रिएटर प्रोग्राम का चीज़ नया आया हुआ था, उसके बाद में जो गेम के यहाँ पर जो पेजेस दिखते थे, ये वाले जो गेम के पेजेस दिखते थे, इनके सभी का सभी गेम को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया। अब गेम को अच्छे तरीके से खेल करके आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। इसमें जितना भी गेम आता था उन सभी गेमों को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया, ठीक है, सब का सब गेम को ही स्मूथ कर दिया गया है। अब यहाँ से गेम को खेलो और गेम खेल करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को गेम खेलने में। तो मान के चलो ये वाला गेम अगर आपको खेलना है तो इस गेम को खेलने के लिए जो भी इसका रूल है उस रूल को फॉलो करना, रूल को फॉलो करने बाद ये आपका ओपोनेंट को सर्च करेगा और उसके बाद आप लोग गेम को खेलोगे। मतलब इसमें आप लोगों को जो पहले दिमाग खराब होता था ना, वैसे दिमाग खराब तो नहीं होगा। फाइनली यहाँ पर देखो गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है भाई, इस तरीके से कर करके आप लोग यहाँ पर गौर देखो, प्लीज वेट द ओपोनेंट इन प्लेइंग, मतलब आपका जो ओपोनेंट है उसको प्ले करने दो, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर से काम कर सकते हो। मेरे देखो ओपोनेंट को यहाँ पर से विनर बना, तो यहाँ पर देखो एक वहाँ पर से चूज किया, यहाँ पर भाई मैं अपना चूज करता हूँ और मैं चूज करता थोड़ा सा इससे हैवी वाला को, चलो उसका उससे थोड़ा सा उसका कितना था भाई 40 था ना, तो चलो उससे थोड़ा सा हैवी में देता हूँ, चलो इसको दे देते हैं 63 वालों को, इसको मारते हैं, ठीक है। अब इसको 3 करके यहाँ पर से 62 को इसका मतलब कार्ड को थ्रो करते हैं, यहाँ पर देखो मैं इसमें से हारूंगा क्योंकि एक दो से हारना पड़ता भाई, नहीं तो आप लोग यहाँ पर अगर लगातार जीतोगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसको इससे मैं अभी यहां पर हार चुका हूं, राउंड 2 पे चलते हैं। राउंड 2 पे जाने के बाद मैं फिर से इसका टोकन अभी देखना बराबरी करने के लिए भाई, इसका पास देखते हैं कौन कौन को चूज करके किसको किसको ये भेजता है, उसी के अनुसार मैं भी यहां पर से टीम अपना सेलेक्ट करूंगा। और गेम खेलना तो सभी लोगों को पता है, गेम को खेल करके अगर आप विनर बनते हो तो आपको रिवार्ड भी मिलता है। तो अरे ये इतना देर लगाता है ना भाई खेलने के लिए, मूड खराब कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको टाइम लगाना देते हैं, थोड़ा सा मैं गेम को खेलता हूं और गेम खेलने के अनुसार ना जो भी चीज को सेलेक्ट करके वो मार करेगा उसी के अनुसार मुझे भी यहां पर गेम को देना पड़ेगा। मुझे लगता है ना जानबूझ करके ये लेट कर रहा है, जहां तक मुझे लगता है अगर ये गया तो इसका चांस यहां पर से खत्म हो जाएगा, ये गया तो मुझे मेरा टर्न आ जाएगा और फिर यहां पर मैं विनर बन जाऊंगा, ठीक है। लगातार अगर इस तरह से करके हारेगा ना तो यहां पर बोला गेम इंडेड, आपको बोला आपको यू हैव बीन लिमिटेड टाइम आउट ऐसा करके, तो मतलब भाई मेरा चांस था क्या? ओ भाई साहब, मुझे लगता है ना कि मेरा चांस था और मैं यहाँ पर से हार गया। उसका तुरंत गेम खत्म होने के बाद में बोल रहा है कि आपको यहाँ पर से एक कोइन यहाँ पर विन करने का मौका मिलेगा, जस्ट इस पर क्लिक करना, एक जेम्स आपको मिलेगा। जस्ट जो वीडियो प्ले हो रहा था उस टाइम वही वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उस वीडियो को देखोगे तो तुरंत के तुरंत आप लोगों को एक जेम्स आपके वॉलेट के अंदर में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। वही प्रोसेस कुछ नहीं होता, जो हिसाब से थोड़ा देर वीडियो यहाँ पर प्ले होना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देख सकते होंगे वीडियो प्ले होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखो मेरा जो रिवार्ड है एक कोइन मुझे रिसीव हो चुका है, इस बार फिर से मैं एडिशनल करूंगा, फिर से यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर से वीडियो प्ले होना शुरू होगा, फिर से मुझे 2 पॉइंट रिसीव होगा, फिर से मैं बैक करूंगा, फिर से यहाँ पर मुझे और यहाँ पर अर्निंग हो जाएगा। तो देखो आप लोग यहां पर से मैं क्या बता रहा था कि आप लोग अर्निंग भी कर सकते हो इसके अंदर में, अनलिमिटेड अर्निंग में स्टार्टिंग बताया था ना, अनलिमिटेड अर्निंग इसी जगह से आप लोग कर सकते हो। जैसे आपको क्लिक करना है, वीडियो देखते जाना, वीडियो देख करके पॉइंट अर्निंग कर जाना, फिर देखो 2 कॉइन यहां पे 2 जेम्स यहां पर मैं अर्निंग कर चुका हूं, फिर यहां पर दूसरा वाला जेम्स यहां पर मैं अर्निंग करने वाला हूं। जस्ट इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा करके वेट करना है और वेट करने बाद यहां पर लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने बाद फिर से एक ऐड जैसे और जो वीडियो प्ले होने वाला शुरू होगा ना आपको शुरू होने देना, फिर आपको बैक कर देना, बैक करना देखो फिर से 2 जेम्स यहां पर मुझे रिसीव हो चुका है, यहां पर टोटल 5 जेम्स की मैं अर्निंग कर चुका हूं फ्री फ्री में, जो कि आप लोग अपने आंखों के सामने में गौर से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप गेम खेल सकते हो। अब इसके अंदर में जो आगे का अर्निंग का जो आगे का जो नया अपडेट आया हुआ वो अपडेट कुछ अलग तरीके का है। वो अपडेट क्या है? तो वो अपडेट है भाई क्लब का, क्लब में आप लोगों को अर्निंग करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर गेम का पेज मिलता है जो कि आपको बता दिया था, रिवार्ड का पेज के बारे में तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ और यहाँ पर बता सब कुछ अच्छे तरीके से समझ लो और जो भी रिवार्ड है इसके बारे में बताएंगे आगे चल करके। और जो भी रिडीम का पेज है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर देखो मिनिमम रिडीम 2 रुपये के अमेजन गिफ्ट कार्ड, फिर 5 रुपये का, 10 रुपये का, 35 रुपये का, फिर इस तरह करके बहुत सारे यहाँ पर अमेजन का गिफ्ट कार्ड लेते हो, गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड लेते हो, अगर इस पर लेना है तो आप इसे भी ले सकते हो। रिडीम एनीवेज का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और रिडीम करते हैं, आपको पहले ये वाला बात पास लेना पड़ेगा। अब ये वाला प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आ रहा होगा, तो अगर आप लोगों में से भी ये वाला प्रॉब्लम किसी बंदे को आ रहा था, आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, मैं इसको पर एक वीडियो बनाऊंगा इसका सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या है इसका बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, तभी जाकर आप समझ पाओगे। और ये वाला प्रॉब्लम अगर आपको नहीं आ रहा तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके एक बार वीडियो बताना ये प्रॉब्लम आ रहा है, तभी जाकर आप लोगों को इसका पर वीडियो बनाऊंगा और आपको दे दूंगा, ठीक है। आप किसी भी रेट में लगाओगे तो ये वाला प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। जो भी वाउचर उचर लेना वाउचर तो यहां पर से ले सकते हो। अब इसके अंदर का एक खुद का स्टोर है, जिसके स्टोर के अंदर से अगर आपको भी प्रोडक्ट को लेते तो उसमें डिस्काउंट मिलता है। अगर आप गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कहीं और से लेते हो तो यहां से लोगे तो आपको भाई इसके अंदर से डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट बोले तो कितना का डिस्काउंट मिलेगा? अगर आप 100 रुपये का अमेजन का गिफ्ट कार्ड लेते हो, अगर आप 100 रुपये का अमेजन का गिफ्ट कार्ड लेते हो तो भाई उस पर 3% का डिस्काउंट मिलेगा, बोले तो 3 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अमेजन का गिफ्ट कार्ड अगर इससे लेते हो, गूगल प्ले में 3%, अमेजन में 1%, इस तरीके से करके आप लोग यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हो। किसी किसी में तो 6% 8% ऐसे करके आपको डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, 7-8% 8-8% ऐसे करके आपको डिस्काउंट मिलते हैं।
सकते हैं अगर आप इसका स्टोर से लेते हो तो। अब यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब मेरे जो अपडेट में ये वाला ऑप्शन आया था वॉलेट वाला ऑप्शन, ये वॉलेट वाला ऑप्शन क्या है, तो चलो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसमें आपको दिखा जाएगा आपका जेम्स पड़े हुए इतना, आपका रेफर का कैश पड़ा हुआ इतना, आपका कॉइन पड़े हुए इतने, गिफ्ट कॉइन इतने पड़े हुए हैं, और जो भी ये टोकन आता है टिकट आता है, ये टिकट अभी जीरो है, ये भी क्लब जीरो है। तो मेरे पास ये जो बैलेंस दिख पड़ा हुआ है ये बैलेंस को मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे मान के चलो ये बैलेंस को मैं क्लिक करूंगा, वही फिर यहाँ पर रिडीम बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर दिखा जाएगा आपका पास भी अमेजन गिफ्ट कार्ड विड्रॉ करने का ऑप्शन है। आप चूज करो यहाँ पर से 10 रुपये 20 रुपये जितना का भी लेना है उतना यहाँ पर से ले सकते हो। अगर मुझे मान के चलो 10 रुपये के यहाँ पर से रिडीम लगाना तो 10 रुपये मैं सेलेक्ट करूँगा और 10 रुपये का जो कोड है ये कोड आप लोगों को मैं दे दूंगा। यहाँ पर गौर देखो तो कोड यहाँ पर मेरा कन्फर्म किया और कन्फर्म करते के साथ में ये कोड शायद मेरा रिडीम हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पर गौर से देखोगे तो मेरा जो बोल रहा है कि आपका जो कोड है ना, ये कोड बोल रहा है कि भाई बोल रहा है कि कूपन नंबर इतना है, तो मेरा जो कोड है ये कोड यहाँ पर 10 रुपये का ये एड हो चुका है। जस्ट यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और ये कोड मेरा कॉपी हो जाएगा। आप चाहो तो इस कोड को गिव अवे के तौर पर आप रख सकते हो। 10 रुपये का कोड का गिव अवे मैं आप लोग दे दिया हूँ। जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखे उन लोगों के लिए 10 रुपये का गिव अवे है भाई, छोटा सा गिव अवे, लेकिन आप लोग भाई गिव अवे होता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो वीडियो को लास्ट तक देखे ना उन लोगों के लिए 10 रुपये का अमेजन का गिफ्ट वाउचर का गिव अवे, ठीक है। और हो सके बहुत लोग वीडियो का स्किप कर देंगे तो उसका यूज नहीं किएंगे, और आप लोग अभी आए हो इस वीडियो के अंदर में तो आप लोग ये कोड को एक बार अच्छे तरीके से देख लो और इसे रिडीम करने की कोशिश करो। हो सके आपको यह नसीब में हो जाए, अगर मान लो रिडीम नहीं किया हुआ तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर से रिडीम कर सकते हो। एक दिन में एक ही रिडीम लगा सकते हो, नहीं तो मेरे पास तो जितना बैलेंस पड़ा हुआ ना उसका सबका सब बैलेंस को एक ही दिन में विड्रॉ कर लेता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखो डेली की लिमिट कम है तो इसके अंदर मैं क्रिएटर प्रोग्राम में ज्वाइन करूंगा, उसके बाद फिर मेरा वाला जो लिमिट रहेगा वो बढ़ा दिया जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पर से अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। पर देखो हिस्ट्री का सेक्शन पर आप चेक कर सकते होंगे मैं कितना बार यहाँ पर से अर्निंग भी किया हूँ, कितना बार रिडीम किया हूँ, कितना बार यहाँ पर मेरा जो कोड है ये कोड भी मुझे यहाँ पर से रिसीव हुए हैं, जो कि आप लोग अपने आंखों के सामने में गौर से देख सकते हो। समझ में आ चुका है। तो आज का जो वीडियो है आई होप आप लोगों को सब कुछ समझा दिया होगा इसका अपडेट के बारे में, नया वाला अपडेट के बारे में। और जिन लोगों को कुछ कुछ समझ में नहीं आया है वो लोग भाई कमेंट करके बताना कि क्या क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह का नया नया लूट आपको मिलता रहेगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक मिलता है, नेक्स्ट वीडियो तब तक ले, बाय। जय हिंद, जय भारत।